हेलो व्यवसायिक छात्रों, मैं थोड़ा हट के पार्ट टू में मैं आपका स्वागत करता हूं। और आज का दिन मैंने आपसे कहा था कि थोड़ा हट के बात किया जाएगा सब्जेक्ट से, और सब्जेक्ट भी उसमें रहेगा लेकिन थोड़ा कुछ हट के रहेगा। तो जैसे कि एक बिजली कैसे बनती है, और एक हमने वीडियो आपको डाला था बायोमा फार्मर्स बायोमास एबिलिटी, मतलब जो किसानों के कूड़ा कचरा है, धान की भूसी पूरा और या पुआल, इसकी जो है क्या वैल्यू है, मतलब इसको किस तरह से हम देखते हैं। तो पहले छोटी चीज़ पे आते हैं कि 1.25 किलो, मतलब अगर आप धान राइस हस्क हस्क मतलब होता है भूसी, धान की भूसी, धान का छिलका, वो वाली भूसी, हालर वाली नहीं, छिलका जो राइस मिल से निकलता है, तो राइस हस्क उसी कहते हैं। ये करीब 1.25 किलो राइस हस्क जो है आपका, 1 किलो कोयला की थर्मल एनर्जी, 2200 किलो कैलोरी थर्मल एनर्जी होती है 1 किलो कोयला की, 1 केजी की, जो कि आप गांव में भट्ठों पे देखते होंगे। कोयला कई ग्रेड में आता है, ABCD, तो गांव जो हमारे यहाँ है जो भट्टियों में जलता है वो 4200 के आसपास, इससे कम ही होता होगा। और 1.25 किलो अगर राइस हस्क अगर आप ले लें, भूसी या पुआल जो भी, तो वो 4200, तो धान की भूसी के छिड़के में 4200 किलो कैलोरी थर्मल एनर्जी छिपी हुई है। किसान शायद इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से ना समझ पाए, लेकिन इसे उष्मीय ऊर्जा हम कहेंगे। तो इस थर्मल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल सकते हैं, यही इसी से बनता है थर्मल पावर प्लांट, बिजली बनाने का घर। तो आप बहुत से स्रोत हैं बिजली बनाने के, पवन चक्की से, सोलर से, और रिहंद बांध आपका बनाया गया है, ऊपर से पानी गिरता है टरबाइन पे तो वो नाचती है, अल्टरनेटर जो है घूमता है, और उस अल्टरनेटर घूमने से आपको 11 किलोवोल्ट या की बिजली पैदा होती है, जिसको आप बढ़ा के 133 किलो करके आप सप्लाई में दे देते हैं, और बिजली बेचने का यही सिस्टम है। तो 1.25 किलो बगास, गन्ना की खोई, बगास माने गन्ना की खोई होती है, इसकी भी 4200 किलो कैलोरी उष्मीय ऊर्जा होती है। अगर आप 1 किलो कोयला लेके पानी उबालें तो जितना पानी आप उबाल लेंगे उतना आप 1.25 किलो बगास भी लेके अगर उबालें तो उबलेगा। बस यही फ़र्क है कि कोयला धीरे धीरे जलेगा और बगास थोड़ा जल्दी जल जाता है, यही इसका एक माइनस बैक मतलब वीक पॉइंट है या कमज़ोर पॉइंट जो भी कह लीजिए। लेकिन गांव में पहले आज भी लोग गोला बनाते हैं और उसी से खाना पीना बनते हैं। आइए हम लोग राइस थर्मल पावर प्लांट के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए साफ दिखाई दे रहा है कि एक रॉ वाटर टैंक बनाते हैं हम लोग, रिजर्व वायर जिसे कहते हैं, एक टैंक जिसमें जो 2 बोर होते हैं, इमरजेंसी एक होती है, एक बोर उस रहती है, तो इससे हम पानी लेते हैं। और एक साइड में आपको ये थोड़ा सा कट के दिखा हुआ है, ये इमरजेंसी वाटर इसमें पहले इकट्ठा होता है फिर इधर जाता है। ये इमरजेंसी वाटर फायर फाइटिंग, मतलब कभी आग वग लग गई तो ये हमेशा इसमें पड़ा रहता है ये पानी, तो ये रिजर्व वाटर रहता है, और बाकी आपका वाटर आगे बढ़ाने के लिए रहता है। तो इस पानी को हम जब आगे बढ़ाते हैं तो इसको आरओ करते हैं, आरओ मतलब जैसे आप घर में पीते हैं उस तरह से बनाते हैं, फिर इसको डीमिनरलाइज करते हैं, मतलब इसके अंदर का सारा मिनरल मार देते हैं, मतलब इसके पीएच सिर्फ 7 रहती है और सब कुछ जो है इसके अंदर कोई मिनरल नहीं रहता, क्योंकि यही पानी बॉयलर बॉयलर जो होता है हमारे पावर प्लांट का, जैसे घर में आपका गैस प्रेशर कुकर है तो उसी तरह से बॉयलर को समझिए आप, तो ये बीच में खोखला होता है और अंदर जो है इसके भूसी गिरा के जलाया जाता है। देखिए ये कन्वेयर लगी हुई है, इसी से यहाँ से भूसी इसके ऊपर डाली जाती है, जलती है, और पानी जो है इसकी नलियों में अंदर दीवार चारों तरफ से नली वाली रहती है पाइप की, तो वो पानी गर्म होता है और नेचुरल उससे तरीके से वो हीट अप करके, और मैक्सिमम जो है करीब 450 डिग्री टेम्परेचर यहाँ है और 63 kg/cm² इसकी जो है फोर्स यहाँ बनती है, और ये मारती है टरबाइन को, तो टरबाइन जो है घूमने लगती है, तो टरबाइन में जंग भी नहीं लगती क्योंकि बहुत तेज, मतलब बहुत स्टीम बहुत पतली रहती है, और फिर वो स्टीम आगे आके कंडेंसर यहाँ नीचे लगा रहता है इसमें गिरती है, कंडेंसर में निर्वात होता है, और निर्वात के कारण वो पानी जो है आपका
फिर वाष्प पानी में बदल जाता है, और फिर इसे हम रिसाइकिल फीड पंप से अंदर अंडरग्राउंड करके ले आके कूलिंग टावर एक हमारा बना होता है, जो डीएम प्लांट से हम इसमें कूलिंग टावर में नहीं आते हैं, ये गलत है। यहाँ रॉ वाटर टैंक से हम पानी कूलिंग टावर में लेते हैं, जैसे कि आप देखे होंगे कोल्ड स्टोरेज में झरने की तरह से बहता रहता है पानी, तो वो पानी पाइप उसके ऊपर, तो पाइप में पानी को ठंडा करता है, तो ये पानी फिर ठंडा होता है और ये फिर रिसाइकिल होकर बॉयलर को दे दिया जाता है। मतलब डीएम प्लांट से तो हम पानी देते ही हैं तो कम पानी लगेगा, और ये वाष्प वाला पानी फिर रिसाइकिल होकर बॉयलर को चला जाता है। एक यहाँ क्लोरिनेशन प्लांट भी बनता है ताकि जो पानी में क्लोरीन है उसको भी छांट दिया जाए। अब उसके बाद यहाँ आप देखें, जब टर्बाइन जनरेटर से आपका जनरेटर से तीन RGY तीन कलर होता है इलेक्ट्रिकल में, आप जानते ही हैं, रेड और रेड ग्रीन ब्लू येलो, तो ये आपका 11 किलो वोल्ट आप स्विच यार्ड बनाते हैं, जिसमें आप ट्रांसफार्मर लगाते हैं करीब 11 किलो को 132 कर देने वाला, सॉरी 33 किलो वाट करके, फिर 132 करके उसको जो है हम यहाँ पर ले आके टावर को देते हैं, और इस टावर से फिर हम इसको मीटर लगा के, यहाँ पर भी एक मीटर, एक सब स्टेशन पर मीटर लगा के दे देते हैं बिजली, और उसमें हम दोनों तरफ के मीटर का जोड़ करके और देख के, और उस पर यूनिट के हिसाब से वाट गुणे घंटा बटा 1000 यूनिट, आपको हमने क्लास पेपर 3 में या बताया भी है कि यूनिट की संख्या बराबर वाट गुणे घंटा बटा 1000, इस तरह से आप निकाल के यहाँ पर बिल बनाते हैं। 63 kg/cm, ये 15 MW का है लगभग, लेकिन रहेगा लगभग एक जैसा सब में। अब यहाँ आप देखिए कि ये जब बॉयलर से इस गैस निकलेगी तो ये गैस वापस जाती इधर निकलती है, तो ESP इसको बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, ये हाई स्कूल में पढ़ाया जाता है। इसका काम ये होता है कि इसके अंदर दो प्लेटें लगी रहती हैं प्लस और माइनस की, तो एनायन कैटायन, तो ये एक बार चिपकती है राख को, एक बार छोड़ती है, इस तरह से जो राख इकट्ठी होती है नीचे इकट्ठी हो जाती है, और इसको हम एस सिलो को दे देते हैं। एस सिलो उस राख को इकट्ठा करके थोड़ा गीला कर देता है ताकि उड़े ना और सबको आँख में ना पड़े, और फिर उसको जो है कहीं ले जाके खाई में डंप कर दिया जाता है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट में यही कहा जाता है, जिसमें इस राख में सिलिकॉन ऑक्साइड करीब 96% रहता है। इस राख को इसीलिए राइस हस्क ऐश बन जाता है, मैंने अपना नाम इसीलिए यहाँ पर दीपक सिंह RHA रखा है कि राइस हस्क ऐश। तो ये YouTube चैनल मैं पर बार बार कहता रहा हूँ कि मेरे लिए नहीं, आप ही के लिए है, कुछ इन्फॉर्मेशन मेरे एक्सपीरियंसेस जो हैं वो मैं आपको दे रहा हूँ इसमें। तो यहाँ से जब ESP से आगे निकलती है हमारी, इससे वह बॉयलर से गैस और राख, तो राख तो यहाँ ESP से छान दी गई और ये छनने की तरह काम किया, और फिर इंड्यूस्ड पंप लगा रहता है, जो कि ID पंप जिसे आप कहेंगे, ये खींचता है इसको बहुत अच्छा प्रेशर के साथ, और ये करीब 60 फीट की चिमनी होती है, इससे जो है बाहर कर देती है, तो ये गर्म हवा ऊपर फैला देती है, तो ये इन्वायरमेंटल फ्री थर्मल पावर प्लांट बन जाता है। अब अगर यही चीज़ अगर आप ESP को बाईपास करके यहाँ से इसको दे देते हैं, तो ये चिमनी करीब 8 किलोमीटर रेंज, जैसे गाजीपुर में है, ये 8 किलोमीटर की रेंज तक ये राख को, जिसकी साइज करीब 26 माइक्रॉन है, ये उड़ाती है। तो इसके लिए मैं हमेशा 2009 से मैं प्रयासरत हूँ कि 2009 से आप भी कि इसका कुछ बाई प्रोडक्ट बने। गूगल वगैरह में तो सीमेंट बना के बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर अभी किसी ने ऐसा किया नहीं है कि इसको सीमेंट में मिलाए। और बाकी कोयले की राख तो आप ध्यान से देखें बोरिया पे, तो 30% उसमें जो है ये मिला हुई है, 2009 से ये लागू हुआ नियम, क्योंकि वहाँ भी हज़ारों हेक्टेयर में ये राख फेंकी हुई है। तो इस राख का कोई यहाँ पे गाजीपुर में भी हल नहीं है, सिवाय यही है कि आप मास्क लगा के चलिए और गमछा बांध के चलिए, और चश्मा हो सके तो ज़्यादा लगाए, क्योंकि आँख में अगर ये पड़ गया तो बहुत दिक्कत करता है। और ये पिछले 10 साल से यहाँ कर रहा है और इसका कोई अभी सलूशन मिल नहीं पाया है, और पता नहीं लोग गड्ढे पाटते हैं या ज़मीन पाटते हैं, इसी तरह का काम यहाँ पर होता है। और लीगली तो नहीं होता होगा, क्योंकि इन्वायरमेंटल फ्री है और लीगली रूप से आप इसको फेंक नहीं सकते,
क्योंकि इन्वायरमेंटल पर ये पूरी 100% सब्सिडी वाला प्रोजेक्ट है, जिसमें कि भारत सरकार का पूरा पैसा लगा हुआ है करीब 95%, और इसका कोई एनजीओ या ट्रस्ट ही मालिक हो सा है और कोई पर्टिकुलर इसका कोई मालिक नहीं है। तो ये एक तरह से ये कहा जाए कि मैनेजमेंट है, जैसे किसी कॉलेज का कोई मैनेजर आज है कल कोई और हो सकता है, तो उस तरह की चीज़ें हैं। तो इसकी जो ज़मीन भी खरीदी गई है वो 10 रुपये के स्टैंप पे खरीदी गई है, ये फतुल्लापुर गांव में आप पता भी कर सकते हैं। तो इस प्रोजेक्ट को बारे में बस आप ये जानिए कि राख जो है निकल रही है, इसी को हम राइसस ऐश कहते हैं। अक्सर RHA देख के लोग सोचते हैं कि दीपक सिंह RHA क्या है। दीपक सिंह लक्ष मैंने आपको बताया वो भी है गूगल पे, लेकिन उसमें वीडियो एक आधी हैं, दीपक है उसमें बस। लेकिन दीपक सिंह RHA में करीब 200-300 वीडियो हैं, जिसमें कुछ इंटरटेनिंग चीज़ें भी आपको मिल जाएंगी और नई चीज़ें भी मिल जाएंगी। तो आप ध्यान से देखें तो ये थर्मल पावर प्लांट का यही ब्लॉक डायग्राम आपको ना है। ये है तो इंजीनियरिंग लेवल की चीज़, लेकिन अगर साधारण रूप से आप समझें तो समझ सकते हैं, जहाँ तक मुझे लग रहा है, क्योंकि मैंने इसको समझाता आया हूँ कई बच्चों को, तो उनको समझ में आया है और आपको भी समझ में आएगा। ये जान लीजिए कि बिजली किस तरह से बनती है। तो इसी तरह से आप टेलीविज़न रिसीवर रेडियो का भी फ्लो चार्ट बनाते ही हैं, मैंने भी एक फ्लो चार्ट आपको बना के दिखाया। और आज के लिए इतना ही बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि ये कुछ नई चीज़ है आपके, और राइस हस्क ऐश का आप कोई अगर उपाय खोज सकते हैं तो खोजिए। और फार्मर्स बायोमास एबिलिटी का एक हमारा टॉपिक है, जिसके अंदर लक्स एंड RHA जो हमने अपना प्लेस बना रखा है, लक्स भी प्रॉब्लम है और RHA भी प्रॉब्लम है, राइस हस्क ऐश। तो ऐश तो बेसिकली वो है नहीं, काली काली है, जब तक सफ़ेद ना हो जाए तब तक वो ऐश नहीं कही जा सकती। जैसे कि अगर बत्ती जलती है तो सफ़ेद हो जाती है, तो ये भूसी जल के काली हुई है अभी, तो इसको कहा जा सकता है कि लकड़ी जल कोयला भाई, कोयला जल भाई राख। तो अभी ये लकड़ी की तरह से ही है, लेकिन ये अभी काला है तो इसको हम ऐश नहीं कह पाएंगे। तो यही सब चीज़ें मेरे पास जो है अनुभव, इसमें आप कुछ बना सकते हैं तो लॉकडाउन में आप इसका कुछ बनाइए। फ़िलहाल तो गाजीपुर में फ्री में आप रोड पर पा जाएंगे फेंका हुआ, और जब चाहे तब मंगा भी सकते हैं। और ये एक बहुत पुरानी चीज़ है जो गाजीपुर में करीब 10 साल से कभी चिमनी के रास्ते से उड़ा दी जाती है, कभी रोड पे फेंक दी जाती है, कभी गड्ढों में पाट दी जाती है। और इस पर भी मैंने कुछ वीडियोस आपको दिए हैं, राइस ऐश पे भी, तो उसको भी आप देख के थोड़ा सा अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं, ज्ञान को बढ़ाएं। लॉकडाउन पीरियड का मतलब ये है कि अपने ज्ञान नॉलेज को बढ़ाइए, और करोना तो आपका रहेगा कुछ दिन ये साल, अगर वैक्सीन बन गई तो समझ लीजिए बल्ले बल्ले। और तब तक आप जो है इस IT सिस्टम का, या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कहिए चाहे यूट्यूब यूनिवर्सिटी कहिए, इसका फ़ायदा उठाइए। मैं तो फ़िलहाल यूट्यूब इसीलिए एक साल भर पहले बनाया था कि आप लोगों के लिए ये कुछ काम आए, और बेसिकली मैंने स्वार्थ बस अपने लिए बनाया था कि अपनी मेमोरी को मैं इसके अंदर आवाज़ में फीड करूँगा, ताकि आने वाले फिर बच्चे जो हमारे बड़े हों तो इसको सुन सकें, देख सकें। और ये मेरी सोच थी, और उसमें कुछ अपना पैसा वैसा कमाने वाली सोच नहीं थी कि लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, ऐसा कुछ नहीं। और इसलिए मेरे सब्सक्राइबर भी मेरे छात्र ही होंगे, चूँकि 1-2 साल से बना हुआ है, साल भर से, तो 50-60 मेरे स्टूडेंट 2 साल में पास हुए होंगे, तो वही होंगे और कुछ मित्र होंगे, इस तरह से ही मतलब सब्सक्राइबर मेरे पास हैं। तो मैं ये फोर्स नहीं करूँगा आपको कि आप इसको लाइक सब्सक्राइब करो, लेकिन आप अगर आपको लगता है कि नहीं कुछ चीज़ है तो आप इसको कर सकते हैं और सुन भी सकते हैं, और ज़्यादा नहीं, क्योंकि इससे ज़्यादा थर्मल पावर प्लांट बायोमास में अगर आपसे कोई प्रैक्टिकल कोई इंजीनियरिंग का लड़का भी हो तो वो इस तरह से पॉलिटेक्निक में इंटरव्यू में आप ये चीज़ आप बताएंगे तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होगा। और 11 kV ही बिजली पैदा होती है, याद रखिएगा, और उसको हम लोग 30, 132 करके, और फिर उसको 33 और 132 करके तलवल जैसे आपका सब स्टेशन है वहाँ दे देते हैं, जैसे फतुल्लापुर से तलवल पास है तो वहाँ पर दे देते हैं। लोकेशन भी इसकी वहीं रखते हैं जहाँ पर कि सब स्टेशन पास में हो। तो हम लोग आपदा प्रबंधन भी पढ़ते हैं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी पढ़ते हैं, प्रोजेक्ट का लोकेशन वगैरह, जैसे एक दुकान की लोकेशन है उसी तरह से एक थर्मल पावर प्लांट की लोकेशन है।
और सारी चीज़ें जो आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट में आप सामान्य निर्धारित विषय में आप पढ़ते हैं, वो सारी चीज़ों का ध्यान इसमें भी रखा जाता है कि कच्चा माल उपलब्ध हो जाए, लोकेशन सही रहे, मैन पावर सही मिले और सुविधाएं सरकारी सही मिलें, तमाम तरह की चीज़ें तो जो उसमें लागू होती हैं वो लगभग यहाँ पर भी हैं, थोड़ी बहुत छोड़ के, क्योंकि ये 70 करोड़ का करीब प्रोजेक्ट है और इसका मैं प्रोजेक्ट इंजीनियर भी रहा, 400 दिन बढ़िया काम भी किया इसके अंदर और बड़ा अच्छा लगा, लेकिन बहुत मेहनत है, करीब 14-15 घंटे काम करना पड़ता था 2007-08-09 में, तो बहुत ही, मैं पहले पाप से कह रहा हूँ, बिजली बनाने में बहुत मेहनत लगती है, इसलिए जहाँ तक हो सके बिजली को बचाने की कोशिश करिए। तो ये थोड़ा हटके पर आज थोड़ा कुछ ज़्यादा हो गया, और एक मैं क्या कहूँ इसके आगे, और आगे हम लोग फिर एक्सरसाइज पेपर 3 की पढ़ना शुरू करेंगे, पेपर 3 की एक्सरसाइज हम आपको फिर कक्षा 12 की पढ़ा ही रहे हैं, उसको फिर एक्सरसाइज को सॉल्व करते चलेंगे, बहुत ईजी पेपर है, टेक्निकल बनिए, नॉन टेक्निकल से कुछ नहीं होगा, कॉटेज इंडस्ट्रीज़ में मेरे पिछले साल के सारे वीडियोज़ में आप देख लें तो सामान आधारित के, तो मैं कॉटेज इंडस्ट्री पर सर्फ साबुन अगरबत्ती मतलब यही सब चीज़ों की मैं हमेशा प्रमोशन कर रहा हूँ कि हर कॉलेज अगर कुछ भी बनाए, थोड़ा थोड़ा सर्फ भी बनाए, साबुन बनाए, कुछ बनाए, तो वहाँ के टीचर भी खरीदेंगे, आपकी बिक्री भी होगी, और जैसा कि कल मोदी जी ने कहा भी, तो ये और अच्छी बात हो गई मेरे लिए, तो होगी क्योंकि मैं साल भर पहले से इस चीज़ को हल्ला मचाता आ रहा हूँ कि कॉटेज इंडस्ट्री व्यावसायिक शिक्षा छात्रों को कक्षा 12 में दी जाए और स्कूल से ही हमारी निर्माण सामग्री छात्रों से निकलवाई जाए, चाहे वो सर्फ हो, साबुन हो, अगरबत्ती हो, जो छोटी मोटी चीज़ें हैं वो कॉलेज के बच्चे व्यवसायिक शिक्षा में बना सकते हैं प्रैक्टिकली, अगर उनको कच्चा माल उपलब्ध कराया जाए या थोड़ा बहुत सरकार मदद करे, थोड़ा कुछ छात्र मदद करे, तो या शिक्षक करें, वो खरीद लें, ले लें, लड़का सीख तो जाएगा ही ना, और आपको, आप सोचिए जो सर्फ आप 50-60 रुपये में ख़रीदते हैं वो 20-30 रुपये में बन जाता है, तो लेबर चार्ज मेन होती है, पैकिंग होती है, तो यही ये चार्ज आपका बच सकता है, तो स्कूलों में ये अनिवार्य अगर हो जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा, गांधी जी ने चरखा अनिवार्य कर दिया था। तो मैनी मैनी थैंक्स छात्रों, थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है, फिर कभी इस टॉपिक पर बात किया जाएगा, एक बार तो इसमें मैंने कुछ बताया ही है आपको, और एक बार और थैंक्स अगेन।